गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये है हमारा सोशल साइंस पे, और आज का जो चैप्टर है हमारा ये है द सीड्स ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि रेवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे न्यूलिथिक एज के बारे में, कि न्यूलिथिक एज जो थी अर्ली ह्यूमंस के टाइम पे, ये एक फेज था जब स्टोन एज खत्म होने के बाद जो है, ये हम ये कह सकते हैं कि स्टोन एज की जो एंडिंग का जो टाइम था दैट इज नोन एज द न्यूलिथिक एज। तो आज हम उसी के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और ऐसे इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि न्यूलिथिक एज क्या था। सो द लास्ट फेज ऑफ न्यूलिथिक एज इज रेफर्ड टू एज द न्यूलिथिक एज, यानी कि जो स्टोन एज का जो लास्ट फेज था उसको हम कहते हैं न्यूलिथिक एज। ओइंग टू वेरियस इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स दिस फेज मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस। इस फेज में जो है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए थे न्यूलिथिक एज में, जिस वजह से जो अर्ली ह्यूमंस थे उनकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं वो आए थे। They started practicing farming, which made them settle during down their crops. यानी कि इस वक्त पे उन लोगों ने farming करना सीखा था। Farming करने की वजह से वो लोग अपने जहाँ उन्होंने अपनी फसलें उगाई थी वहाँ पे वो रुक जाया करते थे और अपनी जो है फसलों की जो है वो देखभाल किया करते थे। They look down for their crops. Domestication of animals such as cattle, horses, etc. led to the continuous supply of meat, milk, and milk products. इसी दौरान इन लोगों ने जो पशुपालन है वो भी शुरू करा इस दौरान। तो डोमेस्टिक एनिमल्स को इन्होंने पालना शुरू करा, जैसे कि यहाँ पे कैटल हो गए, कैटल यानी कि जो गाय और भैंसें होती हैं उनको पाला, हॉर्सेस यानी कि घोड़े और इत्यादि, इससे ज़्यादा और जो है जो एनिमल्स होते हैं उनको पाला। उनसे इनको मीट मिला, मिल्क मिला और मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनको यहाँ पे मिलने लगे। अनदर मेजर डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज द इन्वेंशन ऑफ व्हील, और इसी वक्त जो है व्हील का इन्वेंशन जो है वो यहाँ पर हुआ था। तो व्हील जो है वो एक हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा जो है डेवलपमेंट माना जाता है, कि बिना व्हील के जो था डेवलपमेंट वो बहुत ज़्यादा रुका हुआ था, या हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट था या अचीवमेंट था, तो वो न्यूलिथिक एज के टाइम पर ही डिस्कवर हुआ था। इंस्टेड ऑफ चक्की, स्टोन टूल्स, ब्लेड्स एंड म्यूरन्स वर यूज्ड व्हिच हैड बीन मेड विद एक्सलेंट क्राफ्टमैनशिप एंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन इवन टुडे। यानी कि उस वक्त जो था, पहले जब अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे वो स्टोन्स को यूज़ किया करते थे, स्टोन टूल्स को, यानी कि जो धार वाले पत्थर होते हैं या अपने हिसाब से पत्थरों से टूल्स बनाते थे और उन टूल्स का जो है वो यूज़ करते थे। तो यहाँ पे अब उन लोगों ने ब्लेड्स बनाए थे और उसी के मिलते जुलते और भी टूल्स बनाए थे, जो कि बहुत ज़्यादा जिनमें एक्सेलेंट क्राफ्ट्समैनशिप देखी जाती है। एक्सेलेंट क्राफ्ट्समैनशिप से मतलब है कि हम उसमें ये देख पाते हैं कि उन्होंने उसको बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन से बनाया है, बहुत अच्छा मतलब जिसने बहुत अच्छे कारिंदे ने काम किया है उसको बनाने के लिए, और वी कैन नॉट इवन रेप्लीकेट इट इन टूडेज वर्ल्ड, हम उसको फिर से भी रेप्लीकेट नहीं कर सकते। और यही सब जो है डेवलपमेंट्स हैं जो हैं ये इस न्यूलिथिक फेज को एक न्यूलिथिक रेवोल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं कि न्यूलिथिक रेवोल्यूशन क्या था। ह्यूमंस लर्न टू डू फार्मिंग, यानी कि इस टाइम पे जो ह्यूमंस थे इन्हें सबसे पहले जो चीज़ सीखी वो थी फार्मिंग करना, फार्मिंग यानी कि खेती करना। अब ये कैसे हुआ कि इट इज़ स्टिल अ मिस्ट्री हाउ ह्यूमंस डिस्कवर्ड फार्मिंग, जस्ट लाइक फायर इट्स बिलीव दैट एग्रीकल्चर वॉज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। जैसे कि हमें पता है कि जो आग का जो आविष्कार हुआ था वो एक एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट्स के ही थ्रू ये इन्वेंशन हुआ था, तो उसी तरीके से आज भी एक मिस्ट्री है कि अर्ली ह्यूमंस को फार्मिंग करना कैसे आया होगा, ये भी मिस्ट्री है, तो हम इसको कह सकते हैं एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। Humans might have observed plants developing from seeds that had fallen onto the moist land sometime before. या तो ये हो सकता है कि उन्हें कुछ वक्त पहले कोई बीज को जो कि ज़मीन में गिर गया था, जहाँ पे नरम मट्टी थी जिसमें मॉइस्चर था, वहाँ पे अगर वो बीज गिर गया होगा और उसमें से पेड़ पौधा निकल आया होगा, तो उस चीज़ को उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा और उसी ऑब्जर्वेशन पे इन्हें जो है वो देखा कि फार्मिंग इस तरीके से होती है। द ट्रांजिशन ऑफ ह्यूमन काइंड फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू कल्टिवेशन वॉज नॉट सडन, इट वॉज रैदर अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन। पहले जो ह्यूमंस हुआ करते थे वो हंटर्स हुआ करते थे, यानी कि वो शिकारी हुआ करते थे, उनको नहीं पता था कि फसल उगाई जाती है और उस फसल को खाया जाता है। लेकिन उसके बाद जब एग्रीकल्चर का जो कल्टीवेशन वाला जो पीरियड स्टार्ट हुआ, तो ये कल्टीवेशन और जो हंटर का जो टाइम, यानी फ्रॉम हंटर्स टू फार्मर्स या कल्टीवेशन का जो पूरा पीरियड है वो एक पीरियड जो है वो काफ़ी लंबा है, वो बहुत एक शॉर्ट पीरियड नहीं है, और इसको जो है ये ग्रेजुअल ट्रांजिशन में माना जाता है। बाय द एंड ऑफ द न्यूलिथिक एज द क्लाइमेट हैड बीन कंसिडरेबली वार्मर एंड हैड लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और ये माना जाता है कि जब न्यूलिथिक एज
खत्म होने वाली थी, तब जो क्लाइमेट था वो कंसिडरेबली वार्मर था। कंसिडरेबली वार्मर से मतलब थोड़ा सा नरम, मतलब थोड़ा सा गर्म था, सॉरी थोड़ा सा गर्म था। और यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी कि मौसम पर्याप्त था फसल के लिए, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड थी, एक बिल्कुल सही टेम्परेचर था। एज ह्यूमन पॉपुलेशन रोज देयर वॉज अ नीड ऑफ मोर फूड, हाउएवर इट वॉज डिफिकल्ट टू प्रोक्योर फूड ओनली थ्रू हंटिंग एंड गैदरिंग। ह्यूमन थस ग्रेजुअली लर्नड एंड डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ कल्टिवेशन फ्रॉम सोइंग द सीड्स टू फाइनली हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। यानी इस वक्त के दौरान जब हंटिंग से खाली काम नहीं चल रहा था, तो हंटिंग के अलावा ह्यूमन ने देखा कि हम यहाँ से फसल भी उगा के हम जो है अनाज की जो पूर्ति है, जो हम भोजन की जो प्राप्ति है उसको हम पूरा या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हम उसकी जो डिमांड है उसको हम यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकते हैं, उस नीड्स को हम मीट कर सकते हैं। सो ह्यूमन दस ग्रेजुअली लर्न एंड डेवलप द टेक्निक्स ऑफ कल्टिवेशन फ्रॉम सोइंग द सीड्स एंड फाइनली हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। यानी फिर उसके बाद जो है ह्यूमन्स ने वहाँ से बीज को उगाना सीखा कि हम किस तरीके से बीज को हम जमीन में लगाएंगे, उसको किस तरह से हम पौधे में उसमें पौधा निकालेंगे और पूरी फसल पक जाने के बाद हम उसको कैसे हार्वेस्ट करेंगे क्रॉप्स को, ये सब इन्हें सीखा। दिस इन टर्न फैसिलिटेटेड ह्यूमंस इन लीडिंग टू द मोर सेटल्ड कम्युनिटी लाइफ एज दे नो लॉन्गर हैड टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ फूड। इससे ये हुआ कि ह्यूमंस को एक सेटल्ड कम्युनिटी में रहने का मौका मिला, फिर वो वहीं सेटल हो गए जहाँ पर उन्होंने अपनी फसलें उगाई थी। उसके वजह से अब वो वहीं रहते थे, वो अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे फूड की तलाश में, क्योंकि पहले वो हंटर्स हुआ करते थे, वो जानवरों को मारकर उनका मीट खाया करते थे। तो अब उनको वैसा कुछ नहीं करना था, जहाँ उनकी फसल लगी थी उसी फसल की देखभाल करनी थी और उसको हार्वेस्ट करने के बाद वो उसको कंज्यूम कर सकते थे। तो इस वजह से वो अब एक सेटल्ड कम्युनिटी में रहने लगे और अब उनको किसी भी डिस्टेंस के लिए जाने की ज़रूरत नहीं थी। दे बिगैन बिल्डिंग हट्स विच प्रोवाइडेड देम विद प्रोटेक्शन एंड शेल्टर। इन्होंने उसके बाद अपने हट्स बनाए जहाँ पर उनको शेल्टर मिला और उनको प्रोटेक्शन भी मिला, क्योंकि उनके हट से उनको प्रोटेक्शन और शेल्टर मिला। देयर अर्लीस्ट ड्वेलिंग्स वर मड हाउसेज एंड थैस्ट पूल्स। और जो उनके सबसे शुरुआती जो मकान थे वो मड हाउसेज थे, यानी जो मिट्टी के मकान जो होते हैं वो थे, विथ थैस्ट पूल्स। थैस्ट पूल यानी कच्ची छतें जो कि घास के पूलों से बनाई जाती हैं, उनको इस्तेमाल करके इन्हें अपने जो थे कच्चे हाउसेज जो होते हैं वो इन्हें अपने बनाए थे। और इसी तरीके से यहाँ पे एक ह्यूमन रेवोल्यूशन जो है वो एक यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। प्लांट्स विच आर कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज इंक्लूडेड वीट, बारले, फिक्स, ओट्स एंड टॉल ग्रासेस। अब जो पेड़ यहाँ पे शुरुआत में उगाए गए थे, जो पौधे उगाए गए थे खेती के लिए, वो यहाँ पे थे वीट, बारले, फिक्स, ओट्स एंड टॉल ग्रासेस। तो ये जो फसलें थी इनको उगाया गया था। विद द हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेन्स अर्ली ह्यूमंस ऑल्सो नीडेड अ प्रॉपर प्लेस टू स्टोर द ग्रेन्स। अब जब फसल जब उगा ली गई है, जब फसल की हार्वेस्टिंग हो गई है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम इस फसल को सुरक्षित रखना है। ये भी एक बहुत बड़ा एक टॉपिक होता है, एक इंपॉर्टेंट मैटर है। तो एज अ रिजल्ट ग्रेनरीज वर कंस्ट्रक्टेड वेयर द ग्रेन्स कुड बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जब ह्यूमंस को दिखा कि जब इन फसलों को हमको स्टोर करना है, तो इन फसलों को उन्हें स्टोर करने के लिए जो है वो ग्रेनरीज बनाई, जहाँ पे इन फसलों को लंबे समय तक के लिए प्रिजर्व करके रखा जा सके, ताकि ये वहाँ पे खराब ना हो। वी कैन दस सी द ट्रांजिशन ऑफ अर्ली ह्यूमंस फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू फूड प्रोड्यूसर्स। और इसी तरीके से आप देखिए कि जो ह्यूमंस थे वो हंटर गैदरर्स से फूड प्रोड्यूसर्स की तरफ वो ट्रांजिशन यहाँ पे हमको दिखाई देता है, कि पहले वो हंटर्स थे, वो हंटिंग करते थे और फूड गैदर करते थे, अब वो हंटिंग छोड़ के वो फार्मिंग में आ गए, एग्रीकल्चर में आ गए और उसके बाद वो फूड प्रोड्यूसर्स बन गए, जिसमें उनको प्रॉपर एक एक चीज़ वो आगे आगे करते जा रहे थे। मैनी न्यूलिथिक साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इंडिया, दिस इंक्लूड्स लाहौरा देवा नियर द गैंगेटिक प्लेन इन उत्तर प्रदेश, बुरजा होम इन कश्मीर, चिरांग इन बिहार, पिकलीहाल इन रायचूर, और ये इस तरीके की कुछ साइट्स हैं जो कि हमको इंडिया में मिलती हैं, जहाँ पे इन सब चीज़ों की जो है हमको यहाँ पे ट्रेसेस दिखाई देते हैं। तो ये कुछ वो प्लेसेस हैं जहाँ पे हमको इन सब चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलती है। अनदर इम्पॉर्टेंट साइट इज़ मेहरगढ़ विच इज़ नाउ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ये मेहरगढ़ भी एक साइट है जहाँ पे हमको इन सब चीज़ों के बारे में हमको देखने को मिलता है, आज की डेट में ये पाकिस्तान में है। दिस साइट हैज़ प्रोवाइडेड ट्रेसेस ऑफ वीट एंड बार्ले कल्टिवेशन एंड हर्डिंग ऑफ शीप, कैटल एंड गोट्स। यहाँ पे जो है हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे पहले वीट और बार्ले की खेती की जाती थी और यहाँ पे शीप और गाय और भैंसें और बकरियों का पालन किया जाता था। तो इतनी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को
मिलती है। तो ये जो पार्ट था सबसे पहले कि ह्यूमंस ने न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, जो सबसे पहला पार्ट देखा वो ये था कि सबसे पहले इन लोगों ने फार्मिंग करना सीखा, उसके बाद इन्हें हार्वेस्टिंग करना भी सीखा प्रॉपरली, उसके बाद इन्हें स्टोरेज उसको कैसे करते हैं उसको भी इन लोगों ने यहाँ पे सीखा। नेक्स्ट आता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कि अब इन्हें जो जानवर हैं उनको पालना कैसे सीखा। द अर्ली वन स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स अराउंड द सेम टाइम दे स्टार्टेड कल्टीवेटिंग क्रॉप्स। काउस, शीप्स, गोट्स, डॉग्स एंड पिग्स वर द अर्लीस्ट एनिमल्स विच वर डोमेस्टिकेटेड बाई ह्यूमंस। इसी वक्त हम देखते हैं कि फसल उगाने के साथ साथ इन्हें जानवरों को पालना भी सीखा। अब जो फसल उगाने के साथ साथ जो जानवर पाले गए थे वो थी गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते एंड पिग्स, इनको यहाँ पे इन लोगों ने पाला। और दस अर्ली ह्यूमंस वर एबल टू प्रोवाइड देमसेल्फ विद अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। इनको पालने के बाद यहाँ पे ह्यूमंस को मीट, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इनको यहाँ पे कंटिन्यूसली मिलना शुरू हुए। दे ऑल्सो यूज द स्किन्स एंड हाइट ऑफ दीज एनिमल्स टू मेक क्लोथ्स। इनके ये हाइट्स यानी कि इनके सीन, इनकी हड्डियाँ और इनकी खालों को इस्तेमाल करते थे अपने कपड़े बनाने के लिए, अपने वस्त्रों को बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। एनिमल्स लाइक बुलट्स, हॉर्सेज एंड डोंकीज वर लेटर यूज फॉर प्लॉइंग एंड ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस। उसके बाद जानवर जैसे कि बुलक्स यानी कि बैल, घोड़े और गधों का इस्तेमाल किया जाता था प्लाउइंग के लिए, यानी कि जो खेती में जो लगता है खेती में प्लाउइंग के लिए इस्तेमाल करते थे। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो है इनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता था। तो आज की क्लास में हमने देखा कि न्यूलिथिक एज क्या थी, ये स्टार्ट हुई स्टोन एज का जो एंडिंग टाइम है उसी को हम कहते हैं न्यूलिथिक एज। इसमें ह्यूमंस ने जो दो सबसे बेसिक चीज़ें देखी सीखी वो थी, सबसे पहली जो थी वो थी फार्मिंग और दूसरी थी यहाँ पे एनिमल्स। सो एनिमल्स और फार्म, एनिमल्स को उन्हें कैसे रियर करना सीखा ये हमने देखा, और फार्मिंग इन्हें कैसे करी इन्हें वो भी हमने देखी। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।